छोटे छोटे चीजों को देख रहे हो, यहाँ पर आपको गोट बनाई हुई है, जनरली कारों में होता है ना, ये बॉडी ही क्लियर कर दिया है। ये पूरी की पूरी जो यूनिट है इसी के अंदर है सारा कुछ। कंपनी ने कहा है यहाँ पर जैसे आप बच्चे बच्चे बिठाते हुए देखते हो ना, वो मत बिठाना। ये देख रहे हो, इसको आप इस तरह से घुमाओ और इसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हो अपने सिटिंग हाइट के हिसाब से। ये 5 फीट 5 इंच है मेरी, यहाँ पर प्रेशर चेक कर सकते हो फिजिकल मीटर में। यहाँ देख रहे हो आप, ये क्या चीज है, हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार सुमित। तो फाइनली अपने सामने आ चुकी है सीएनजी से चलने वाली दुनिया की पहली बाइक फ्रीडम बजाज की। इतना वेट कराया इसने, इतना क्या कहूं भाई, लगभग 4 महीने वेट कराया इसने। लोग मुझसे पूछ रहे थे भाई आप क्यों नहीं बना रहे हो वीडियो, तो भाई हमारे यहाँ दी नहीं थी बजाज ने, उन्होंने कहा था या फिर मार्केट ने ये बोला था कि जो भी Tier 2 Tier 3 सिटीज़ हैं वहाँ पर इतने ज़्यादा सीएनजी पंप्स नहीं हैं, तो उन्होंने बड़े बड़े शहरों में लॉन्च करी। जबकि रियल लाइफ में मैं बताऊँ, मैं खुद छोटे शहर में रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे आसपास ही 6 से 7 सीएनजी पंप्स हैं। वो वाला टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है, और एक्चुअल में इस लो बजट की गाड़ी और जो एक मनी सेविंग गाड़ी है ना, इसके लिए यही मार्केट सबसे ज़्यादा सुटेबल है। एट लास्ट इतना इंतजार करने के बाद फेस्टिव सीजन में अपने सामने आ चुकी है। मैं हूँ इस समय गोपाल बजाज रुद्रपुर में। यहाँ पर दी हैं तो ऐसे धमाकेदार तरीके से दी हैं इन्होंने, जो सा वेरिएंट कहोगे, क्योंकि इसमें 3-3 वेरिएंट कंपनी ने गए हैं। सबसे नीचे अगर हम बेस मॉडल की बात करें, इसकी प्राइसिंग ने भी धूम मचाई थी ना, वो देखो 95,000 रुपये, बिल्कुल वो भी अपने पास आ चुका है वहाँ पर। उसके बाद बीच का मॉडल ये है 1,05,000 रुपये, फिर है 1,10,000 रुपये, सारे के सारे वेरिएंट आ गए हैं। और यही नहीं है, लिमिटेड नंबर्स में आए हैं, जितने कहोगे उतने आ चुके हैं। रीज़न है सबसे बड़ा कि हमारे पास में भाई रुद्रपुर से मैं हूँ, यहीं पर ही सिडकुल है, यहीं पर ही बजाज का प्लांट है, यहीं पर ही बननी शुरू हो गई है बाइक। जितने कहोगे उतने मिल जाएगी, देर आए दुरुस्त आई, ये बढ़िया हुआ। लेकिन बाइक में है क्या ऐसा जो इतनी दुनिया दीवानी हो रही है, कीमत के अलावा वो सारी चीज़ें एक एक करके देखते हैं। पहले शुरुआत कहाँ से करें, बेस से या टॉप से? चलो भाई पहले टॉप ही दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत वैल्यू फॉर मनी है। जितना डिफरेंस है ना बेस में और टॉप में, उन हिसाब से फीचर्स इसमें दबा के दिए हुए हैं कंपनी ने। सबसे पहले तो आप ये लुक देखो, देखने में आपको बहुत गठीली सी बाइक लगेगी, लेकिन ये जो इतनी लंबी सीट है ना, इससे थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स लगेगी आपको देखने में फर्स्ट साइट में, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करोगे तब आप समझ जाओगे नहीं भाई बहुत सही चीज़ दी है। सबसे पहले तो हम इसके टॉप मॉडल की बात कर ले, तो इसकी कीमत है 1,10,000 रुपये, लेकिन ये तो एक शोरूम है, आपको पे करनी है ऑन रोड। मैं उस समय रुद्रपुर गोपाल बाजार पे, यहाँ पर ये ऑन रोड पड़ती है लगभग 1,25,000 रुपये की, जिसमें टैक्सेस इंश्योरेंस वगैरह सब इंक्लूड है। अब 1,25 में आपको कंपनी दे क्या कह रही है, आप ये देखो डिफरेंस। सबसे पहला आपको जो देखने पता लग जाएगा, आपको इसमें फ्रंट व्हील में मिल जा रही है डिस्क ब्रेक इस तरह से। अगर टायर साइज की बात कर लोगे मिल रहा है आपको फ्रंट में 90-80-17 इंच का है। वहीं अगर रियर की बात करोगे तो एक्चुअल में रियर प्रोफाइल इसकी चौड़े टायर की वजह से जबरदस्ती फील होती है। आप ये देखो टायर हगर तो यहाँ पर दिया ही हुआ है, लेकिन अगर इसके टायर साइज़ की बात करें वो मिल रहा है आपको 16 इंच में, और रियर का है 120 सेक्शन का, जो कि गाड़ी की प्रोफाइल के हिसाब से चौड़ाई अच्छी बनाता है। और जो मैं आपको कह रहा था ना कि टॉप मॉडल में जितना डिफरेंस है प्राइस का, वो आपको पूरा का पूरा जस्टिफाई हो जाता है। एक एक करके सारी चीज़ें देख लो आप, छोटा सा आपको यहाँ पर मिल जाता है इसका साइलेंसर, थ्रो कैसा है, इसकी एग्जॉस्ट नोट कैसा है, वो भी अभी स्टार्ट करके सुनाने वाला हूँ। वहीं अगर बात करेंगे छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे हो, यहाँ पर आपको गोट बनाई हुई है भाई, माउंटेन गोट। रीज़न है इसकी जो शेप है, ये पहाड़ वहाड़ पे, कंपनी ने खुद बताया कि सीएनजी के साथ ही चढ़ा दो, और एक्चुअल में हमारा तो भाई नियर है पहाड़ों के एरिया। कुछ लोग डिलीवरी लेकर भी गए हैं, उनका जो रेस्पॉन्स आया उन्होंने कहा आराम से चली है, कोई दिक्कत ही नहीं आई। रीज़न सबसे बड़ा है इसका ये इंजन, सीएनजी में भी अच्छी खासी आपको पावर दे रहा है। कितनी, 9.3 BHP आपको इसमें पावर मिल जाती है, और उसके साथ टॉर्क की बात करेंगे 9.7 BHP, 125 cc इंजन की वजह से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं होने वाली इन नंबर्स के साथ। यहाँ पर आपको मिलता है NG04। अभी NG04 है क्या भाई, ये है इसका कोड नेम। जनरली हम फ्रीडम तो देख रहे हैं, लेकिन कोड नेम की बात करेंगे NG04 आएगा। पीछे आप देख रहे हो यहाँ पर कोई भी सस्पेंशन नहीं दिख रहा, रीज़न है नीचे आप देखो मोनो सस्पेंशन इसमें आपको मिल रहा है। 125 cc सेगमेंट में पहली बाइक है जो मोनो सस्पेंशन के साथ है। और कोई भी कहेगा यार सीएनजी किट बाकी कंपनियाँ जैसे कार वगैरह होती हैं उसमें हम देखते हैं 1,00,000 रुपये का फ़र्क आता है, लेकिन यहाँ पर कोई सा भी आप वेरियंट ले लो आपको बहुत कम कीमत में मिल रही है। आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ इसका सीएनजी भरने वाला सिस्टम पूरा। जैसे ही आप यहाँ से खोलोगे इसे तो आपको नीचे दिखेगा ये, यहाँ से तो आप पेट्रोल इसमें डलवाओगे जो कि इसकी कैपेसिटी है 2 लीटर की, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ से आप डलवाओगे इसमें क्या सीएनजी, जैसे जनरली कारों में होता है ना, ये
ये आपको यहाँ पर सीएनजी फिलिंग वॉल मिलने वाला है इस तरह से, और आप इसे बंद कर दोगे। और इसमें भी वही है भाई, सेफ्टी स्विच क्या, जब तक ये पूरी तरह से बंद नहीं होगा, अभी भी आपको लग रहा है बंद हो गया तो नहीं, ये जब ये पूरा बंद हो जाएगा ना अंदर, तभी ये गाड़ी स्टार्ट होगी। इसमें भी वही सिस्टम है। बाकी यहाँ पर आपको पूरी की पूरी कंप्लायंस प्लेट मिल रही है, बिल्कुल जैसे कारों में होता है सेम वैसे ही है। सेफ्टी सबसे ऊपर रहती है भाई सीएनजी की गाड़ियों में, इसी वैसे सारी चीज़ें दी गई हैं। हर एक चीज़ में खर्चा है, फिर भी इन सारी चीज़ों के बाद जो कीमत है वो बहुत कम रखी गई है। आप ये देख लो, सबसे ज़रूरी चीज़ इंस्टॉल्ड बाय बजाज ऑटो, मतलब इन हाउस डेवलप पूरा का पूरा सिस्टम है। उसके साथ साथ इंस्टॉलेशन डेट, वाटर फिलिंग कैपेसिटी, अब वाटर फिलिंग कैपेसिटी इसमें दी गई है 12.5 लीटर की, जिसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे वो बैठेगा लगभग 2.5 किलो। अब 2.5 किलो अगर मैक्सिमम कैपेसिटी है तो आपको ही पता है वो 2.5 किलो पूरी नहीं आती, मोटा मोटा 2 किलो इसी वजह से कंपनी ने बताई हुई है इसमें। बाकी टेम्परेचर हुआ और मौसम हुआ उस पर डिमांड करता है, आप पकड़ के चलो 1.25 से 2 किलो के बीच में इसमें आ जाएगी। और ये मत सोचो भाई 2 किलो 1.25 किलो बस 100 की माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है सीएनजी पे। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है, तो लोगों के दिमागों से सारा डाउट क्लियर करने के लिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं बजाज वाले भाई। इन्होंने ये पूरा का पूरा जो आप पीस देख रहे हो, ये पूरा नाम रख दिया है इसका डेमोन्स्ट्रेटर, मतलब किसी भी समझाने वाले को और समझने वाले को कोई तकलीफ ना हो, उसको पूरी क्लैरिटी मिल जाए, इस वजह से बॉडी ही क्लियर कर दिया है। आप ये चीज़ देखो, खड़े हुए गाड़ी के सारे कंपोनेंट बता सकता है जो भी डेमोन्स्ट्रेट करने वाला है। सबसे पहली चीज़ जो अलग कंपोनेंट इसमें है वो है इसका सीएनजी सेटअप। अब आप देखो दोनों चीज़ों को, इस पूरे के पूरे जो टैंक दिखता है हमें नॉर्मली, उसमें किस तरह से डिवाइड कर दिया गया है। आप जनरली यहाँ से आप खोलोगे, इसकी चाबी मैं लेता हूँ, और ये देखो यहाँ से जब हम इसे खोलते हैं तो आपको नॉर्मल गाड़ी में यहाँ पर मिल जाता है फ्यूल फिलर कैप, यहाँ मिल जाता है सीएनजी फिलिंग के लिए वॉल्व। लेकिन अंदर कैसा दिखता है वो, तो भाई अंदर इस तरह से काम हुआ, ये जो ब्लू कलर का पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये पूरी की पूरी जो यूनिट है इसी के अंदर है सारा कुछ जो भी सीएनजी के सिस्टम से रिलेटेड है, चाहे उसमें आप रिड्यूसर की बात करो, चाहे अंदर प्री फिल्टर की बात करो, वो सारी चीज़ें इस ब्लू कलर का जो पोर्शन है इसके अंदर फिट है। वहीं जब बात करोगे आप पेट्रोल की, तो पेट्रोल वाला जो सिस्टम है, जो टैंक है 2 लीटर कैपेसिटी का, वो आपको दिया गया है यहाँ इस तरह से। पूरी क्लैरिटी हो जाएगी समझने में और आप इसको इस तरह से कर देंगे बंद। और वहीं बात करेंगे अगर सीएनजी टैंक की कि वो कहाँ लगा हुआ है, तो भाई ये हटाने की भी ज़रूरत नहीं है, पता लग जाएगा किसी को भी कि आपकी सीट के बिल्कुल नीचे इस तरह से प्लेस्ड है सीएनजी टैंक। ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं बजाज वाले भाई, देखो इसमें पैसा लगता है, ये चलती नहीं है, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, खड़ी रखने के लिए इससे आके समझा दी जाए। लेकिन यही चीज़ करनी चाहिए हर मैन्युफैक्चरर को, चाहे वो कार का हो चाहे बाइक का हो, जो भी नई टेक्नोलॉजी है वो इस तरह से पूरी की पूरी समझ में आ जाए। और ये हर डीलरशिप पे दे रहे हैं वो, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। कंपनी ने कहा है यहां पर जैसे आप बच्चे बच्चे बिठाते हुए देखते हो ना, वो मत बिठाना, क्योंकि इस पे मैक्सिमम लोड जो है वो 3 kg का आ गया है। अब आपको कहोगे भाई इतनी कमजोर है, नहीं इतनी कमजोर नहीं है, एक्चुअल में जो टैंक का पार्ट है वो यहाँ तक आता है। कन्वेंशनल बाइक में कोई सी भी बाइक और देखोगे, इसमें आपको सीट यहाँ तक दी गई है, यहाँ की जगह यहाँ बिठाओ अपना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, और जो पर्सन है वो बैठेगा यहाँ। दूसरी चीज़ यहाँ तक बढ़ाने का एक और फायदा हुआ है, क्या, आप अगर कोई पोर्टर का काम करते हो जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, आप डिलीवरी बॉय का काम करते हो, आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें आपको पीछे प्लेटफॉर्म बड़ा बनाना है, तो आप अपनी सीट को यहाँ तक यूटिलाइज कर सकते हो। इस जगह बैठो आप, पूरा का पूरा आप यूज़ करो। और आप कहोगे हम सामान कैसे बांधेंगे, तो भाई इसीलिए कंपनी ने ये सोच के यहाँ पर आपको लूप्स दिए गए हैं, इन लूप्स में कोई भी सामान है, बंडल है, प्लेटफॉर्म है, वो आप बना सकते हो, क्या बात है। अब आप एक और चीज़ देखो दिमाग वाली, जो कि सिर्फ बजाज ही कर सकती है, और वाकई में इनके इंजीनियर्स ने कितना दिमाग लगाया वो यहाँ से हमें पता लग रहा है। अगर आपकी पोजीशन रहती है यहाँ, तब आपका जो ये व्यूइंग एंगल है ये चेंज हो जाएगा, है ना। अगर आपकी पोजीशन रहती है यहाँ, तब आपके क्लस्टर का व्यूइंग एंगल चेंज हो जाएगा। अब बाकी गाड़ियों में आप ये चेंज नहीं कर सकते, इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इसमें सिस्टम दिया है, क्या, ये देखो, ये देख रहे हो, इसको आप इस तरह से घुमाओ और इसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हो अपने सिटिंग हाइट के हिसाब से। कोई और बाइक वाला ये नहीं सोच सकता, कोई और कंपनी नहीं सोच सकती, इन्होंने सोचा है। अब बात आ रही थी टॉप मॉडल में आखिर चीज़ें क्या क्या दे दी हैं हमको। सबसे पहले तो आप टॉप मॉडल को पहचान लोगे डिस्क ब्रेक से, जो कि आगे आपको मिल रही है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो हेडलैम्प मिल रही है वो मिल रही है पूरी LED, हाई बीम लो बीम यही काम करेगी अपनी बिंदास। उसके साथ आ गए अपने यहाँ पर इस तरह से इंडिकेटर। अगर बात करेंगे इसके सीट हाइट की, जो कि एक्चुअल में ऊंची है बाकी कन्वेंशनल बाइक से, कितनी है, ये मिल रही है आपको 825 mm की। अब आपको एक मैं डेमो दे देता हूँ कि 825 mm नंबर तो देख लिए, लेकिन बैठने पर कितनी पता लगती है। बाकी अभी तो इसी का बखान हो रहा है, अभी ये वेरिएंट और है, इस पर भी आता हूँ डिफरेंसेस क्या क्या है, तो मैं इस पर बैठ के दिखाता हूँ। मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है, मेरी हाइट है सिर्फ और सिर्फ 5 फिट 5 इंच,
चलो आप देखो, सबसे पहले तो हमने ये उतारे स्टैंड से, और ये 5 फीट 5 इंच है मेरी, मेरे अगर पैर की बात करोगे तो पहुंच रहे कुछ इस तरह से। ये सिर्फ टो है, अगर पुराने आप बाइक चलाने वाले हो तो आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली, क्योंकि सबको पता है हाइट कम भी हो, अगर पुराने एक्सपीरियंस बंदे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, ट्रैफिक में हमारा एक पैर पूरा काम कर जाता है। लेकिन पीछे पर्सन बैठेगा तो गाड़ी थोड़ी और नीचे हो जाती है। ये आपको मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि 5 फीट 5 इंच में क्या आपको रेस्पॉन्स मिलने वाला है। घबराना नहीं है, पुराने चलाने वाले तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आदत हो जाती है। मैं इससे पहले जो भी बाइक रखी है, स्कूटी रखी है, या इन जनरल हम स्प्लेंडर वगैरह की बात करते हैं, प्लैटिना की बात करती है, इनके 785 से 790 800, इसके बीच में जितनी कम्यूटर मोटरसाइकिल है ना, उनका सबका इसी बीच में चलता है, 750 से 780 से 800 तक में। लेकिन ये 825 आपको मिलती है, फील होगा लेकिन मैनेज हो जाएगा, जब आपकी जो कॉस्ट सेविंग है ना वो होने लगेगी, जेब में पैसा बचने लगेगा। और अभी तो मैंने नीचे स्लीपर्स ही पहने हुए हैं, आप देखते हो जब हम राइड करते हैं तब हम शूज़ पहनते हैं तो हमको जो टो है वो काफ़ी फर्म ग्रिप दे देता है। अब ये चीज़ तो हो गई एक, अब एक और चीज़ आती है जो बहुत ज़्यादा इंप्रेस करी इसमें, क्या आप ये देखोगे, आज के टाइम में जो भी CNG कार्स हैं उसमें भाई हमको ये जो फिजिकल मीटर है ये काट दिया है, कितनी वैल्यू है इसकी वो काट दिया गया है। मैं एक एक करके सारी कंपनियों में देखा, वहाँ कोई नहीं दे रहा, वो सिर्फ अपने डिजिटल मीटर पर रिलाई कर रहे हैं। लेकिन जब आप बात देखोगे यहाँ पर ये, तो भाई यहाँ पर इस बाइक में चाहे कोई सा वेरिएंट ले लो, आप टॉप ले लो, बेस ले लो, बहुत कॉस्ट एफिशिएंट रखी गई है, लेकिन फिर भी आपको ये फिजिकल मीटर मिल रहा है। सपोज़ यहाँ पर किसी भी तरह का माल फंक्शन होता है, आपको यहाँ नहीं दिख रहा प्रेशर, लेकिन आप यहाँ पर प्रेशर चेक कर सकते हो फिजिकल मीटर में। अभी तो यही देखा ना, यहाँ देख रहे हो आप ये क्या चीज़ है। तो एक चीज़ मिस कर रहे होंगे आप लोग कि भाई इसमें जो अपना शट ऑफ वॉल्व होता है वो कहाँ है। कार्स वगैरह में भी हम देखते हैं ना कि जब हमें यूज़ नहीं करना या हमें इमरजेंसी में बंद करनी है वो कहाँ से होगा, तो वो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, ये रहा। आप इसको घुमा सकते हो, शट ऑफ वॉल्व को इस तरह से बंद कर सकते हो, आपको यूज़ नहीं करना, पूरा बंद करो ओपन करो, जो कि बहुत इंप्रेसिव चीज़ है। ये तो एक एक करके मैं चीज़ बता रहा हूँ। चलो अब यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ भी देख लो, आपको टॉप मॉडल में मिल रहा है पूरी तरह से डिजिटल क्लस्टर। यहाँ आप देख लो कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या क्या है वो देखो। सबसे ऊपर तो ओडो आपको मिल जा रहा है, टाइम मिल रहा है, घड़ी दिख रही है, उसके साथ यहाँ हो गई पूरी तरह से अपनी जो डिजिटल स्पीडोमीटर है वो। यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिल रहा है, उसके साथ साइड स्टैंड लिखा रहा है क्योंकि साइड स्टैंड ऑन है। साथ में आपको यहाँ पर मीटर दिख रहा है, ये तो हो ही गई, स्पीड यहाँ दिखेगी, ये मीटर दिख रहा है, मीटर है ये CNG का। ये मैं सोचना कि CNG से पेट्रोल मोड पर ले आओगे तो यहाँ पर पेट्रोल दिखने लगेगा, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको CNG दिखेगा। आपका यहाँ पर चेंज ओवर स्विच है, आप CNG में स्टार्ट करो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ए हमने इसे दबाया, ये गाड़ी अपनी हो गई स्टार्ट, और ये स्टार्ट ही हुई है CNG पर। अब आप देखो कैसे यहाँ पर अपना जब तक ये मीटर दिखेगा समझ लो CNG मोड पर है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर भी ऊपर CNG दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही ये धीरे धीरे कम होता रहेगा तो यहाँ ये नीचे बाहर आते रहेंगे और ये ब्लिंक करने लगेगा, अपना सिस्टम सही है। उसके साथ जब ये ख़त्म हो जाएगा तो अपना आ जाएगा ये पेट्रोल मोड पे, जब पेट्रोल मोड पे आएगा तब हमें यहाँ पर ये नहीं दिखेगा, यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा। आप ये देखो दिखाता हूँ, जैसे ही करा हमने, अब आप कहोगे भाई आया नहीं, आने के साथ हमको थोड़ी सी रेस भी देनी है, जैसे ही एक्सेलरेट करेंगे ये देख रहे हो ऊपर आपको यहाँ पर ये बत्ती जलती दिख गई है। अब ये बत्ती इसलिए जल रही है क्योंकि पेट्रोल का जो टैंक है उसमें भी इस समय तेल कम है, 2 लीटर कैपेसिटी है, जैसे 600 ml पे आ जाएगी तो यहाँ पर ये उसका रिजर्व बता रहा है। तो ये सिस्टम है, वैसे कुछ नहीं दिखेगा अगर यहाँ पर CNG वाला मोड नहीं आ रहा, मीटर नहीं आ रहा, तो भाई आप समझ जाओ कि ये पेट्रोल पे चल रही है, वैसे CNG पे चल रही है। बाकी न्यूट्रल वगैरह की ऊपर भी लाइट हो गई, यहाँ पर ये लाइट हो गई, यहाँ पर आप देखोगे LED लाइट है तो अपनी पूरी तरह से यहाँ पर वैसे लो बीम रहेगी इस तरह से। ये देखो अभी गाड़ी चालू है, ये लो बीम है, ऑलवेज ऑन हेडलैम्प आपको दिया हुआ है, और वहीं इसको अगर हाई बीम पे करना है तो इसको हम करना है आगे, बस ये अपनी हाई बीम पे हो गए, बाकी पासिंग के लिए इसको इस तरह से पास बटन की तरह यूज़ करना है। एक और बटन आया आपने यहाँ पर, ये क्या है भाई, फ़ोन वोन बना हुआ है। तो बिल्कुल इसमें आपको टॉप मॉडल में सारे फीचर मिल जा रहे हैं कनेक्टिविटी के, मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो आप अपने फ़ोन में और बस बिंदास राइड करनी शुरू कर दो इसको। जैसे ही फ़ोन वगैरह आएगा आपको यहाँ पर ही दिख जाएगा, नंबर आपको दिख जाएगा, मैसेज मिस कॉल सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर आ जाएगी। और अगर आपको कॉल भी उठानी है तो आप कॉल इस तरह से उठा सकते हो, क्योंकि आपके जो हेडफोन्स हैं वो लगे हुए होंगे कान में, एक टच में ही अपना उठ जाएगा और एक टच में ही अपना फ़ोन कट जाएगा, क्या बात है, सही है ना। और बाकी उसके अलावा यहाँ पर आपको ये मोड वगैरह के लिए भी दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर अपना ओडो क्लॉक ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, ट्रिप की डिटेल वगैरह इस एक टच से ही, ठीक है। बाकी ये हमने करा दोबारा से ये CNG पे ला के, तो देखो ये हो गया अपना यहाँ पर CNG, और आवाज़ में हल्का सा आपको टिक 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 डिफरेंस पता लगेगा,
बहुत हल्का सा। देखो दोबारा से दिखाऊं, जैसे ही मैं पास आऊँगा इसके इंजन के यहाँ, क्योंकि जो सिस्टम है वो सारा यहाँ पर है। जैसे मैं इसको स्टार्ट करूँगा, ये देखो आवाज़ सुनो अब, ये टिक 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 है ना, तो ये चीज़। और जैसे इसे पेट्रोल में करेंगे तो अब आप सुनना, मैंने पेट्रोल में कर दिए, ये अब रेस देते ही ये देखो वो हल्की सी बहुत स्लाइड टिक 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 आवाज़, बस वो आपको डिफरेंस पता लगेगी। और जब आप सीट पर बैठे होंगे वो तो तब आएगी भी नहीं, जब आप इंजन की आवाज़ सुनोगे तब पता चलेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके अलावा सीट आपको बताई थी, टेल लैंप की बात करें बड़ी इंप्रेसिव है। आप ये देखो जिस तरह से आप इसको दबाओगे, देख रहे हो, बहुत सही। तो ये सारी चीज़ें, बाकी एग्जॉस्ट नोट अभी आपको नहीं सुनाया, वो भी सुना देता हूँ। बढ़िया, ये बिल्कुल साइलेंट स्टार्ट है, जैसे कि कुछ आवाज़ आती हैं वो कोई आवाज़ नहीं आनी इसमें। ये दोबारा से देखो बिल्कुल साइलेंट, ये मैंने ब्रेक दबाई और आप सुनना भाई बिल्कुल साइलेंट स्टार्ट हो जाए, पता भी नहीं चलता। और बाकी उसके अलावा ये सुनो आप एग्जॉस्ट नोट, भाई 150 cc की जो बाइक है उनसे ज़्यादा डीप बेस है इसका, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और बढ़िया चीज़ ये भी है भाई, इसके साथ साथ इसमें आपको दिया हुआ है किक भी, आप किक से भी स्टार्ट करोगे, जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ होगी, दोबारा से बता रहा हूँ टॉप मॉडल है। और हाँ यार, फीचर इतने दिए हैं इसमें, वैसे बेसिकली किस चीज़ के लिए बनी है, इकोनॉमिकल पॉकेट फ्रेंडली, लेकिन फ़ीचरों की कमी नहीं है। आप यहाँ पर देखो, आपको USB पोर्ट दिया हुआ है ये रहा, और आप ये सोचोगे सिर्फ टॉप मॉडल में दिया है नीचे में नहीं दिया, भाई उसमें भी दिया है, टॉप में और बेस में उतने ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं है, लेकिन जो अपना छोटा सा फ़र्क है ना कीमत का, वो बहुत सही है, वो आपको खींच लेगा टॉप मॉडल की तरफ ही। ठीक, तो ये हो गई कहानी यहाँ की पूरी है ना, सेटअप चीज़ें अगर कुछ बची हैं तो मैं उसमें कवर कर लेता हूँ। आ जाता हूँ अब किस पे, सेकेंड वेरियंट पर, यह है टॉप से नीचे, मतलब 1,05,000 रुपये की कीमत वाला। डिफरेंस क्या है, या ऑन रोड बता दूँ इसका भी, इसका ऑन रोड है 1,19,000 रुपये। ठीक, अब देख लो इसमें क्या है डिफरेंस। सबसे पहले तो आप मीटर, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिजिटल मिल रहा था, जो टेल लाइट थी वो ऊपर दिखती थी, लेकिन जब यहाँ की बात करोगे तो आपको यहाँ पर सेमी डिजिटल मिल रहा है ये, और जो टेल लाइट्स है वो आपको ये दूसरे वाले पोर्शन में मिल जा रही है। अब लो जी, इसको भी कर ले स्टार्ट एक बार, ये देखो यहाँ पर भी हाई वाई आपको कई देता है, और इसमें ग्रीन है, अभी देखो बैक लाइट है इसमें, साइलेंटली स्टार्ट होगा, ये देखो ज़रा दिख रहा है ये, बाकी यहाँ तो ये इन्वर्टेड है, अंदर से बैक लाइट जो आएगी वो वाइट सी हल्की सी कलर की है, लेकिन यहाँ पर ये ग्रीन है। ये हो गया अपना क्या, नोकिया 1100 वाली याद दिलाएगा आपको। बाकी यहाँ पर भी ओडो और वो है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, बाकी जितने बटन है वो सारे मिल रहे हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है इस वजह से यहाँ पर, वो वाला जो बटन है अपना कॉल उठाने वाला वो भी नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस तरह से इंडिकेटर वगैरह वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बाकी लाइट्स हो गई। उसके अलावा अगर बात करेंगे डिफरेंस की, अभी तो मीटर ही दिखाया ना मैंने, तो और डिफरेंस देख लो किस चीज़ का, डिस्क ब्रेक का। ये यहाँ पर आपको डिस्क नहीं मिलेगी, एलॉय ज़रूर मिल रहा है, डिस्क ब्रेक नहीं है फ्रंट में, लेकिन जो टायर साइज़ है वो सेम है। अब मैंने टायर साइज़ की बात क्यों करी, कि जब बेस मॉडल पे आओगे तो वहाँ टायर साइज़ में भी डिफरेंस मिलेगा, अभी वहाँ जब आता हूँ तब बताता हूँ। फिलहाल यहाँ पर डिस्क ब्रेक नहीं है, उसके साथ साथ जो हमारा हेडलैम्प है वो आपको LED में ही मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें मेजर जो डिफरेंस है वो आपको यही दिखने वाले हैं कि आपको यहाँ तो एक तो डिस्क ब्रेक नहीं मिल रही, उसके साथ साथ जो यहाँ पर मीटर है वो अपना सेमी डिजिटल है, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सेम वैसी की वैसी मिल रही हैं। चलो ये हो गया मिड वेरियंट, 1,19,000 रुपये ऑन रोड पड़ रही है, और लगभग 1,05,000 रुपये है इसका एक शोरूम। अब आ जाओ सबसे बेस मॉडल पर, क्या है बेस मॉडल में, बेस मॉडल भी आपको एक जैसे लग रहा है, आप कहोगे भाई सेम ही तो है ये और ये, क्या फ़र्क दिख रहा है। यही चीज़ बहुत अच्छी करी कि ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं पता लग रहे। कोई भी अगर जिसका बजट कम है, वो ज़्यादा नहीं खींचना चाहता, या बड़ी बड़ी फर्म्स हैं अपने कॉर्पोरेट लेवल पे लेना चाहती है, बल्क ऑर्डर करना चाहती है, उनके लिए तो बहुत सही है ये। क्यों, आप ये देखो, सबसे पहले आपको जो क्लस्टर है यहाँ पर ये भी सेम मिल रहा है, बिल्कुल इसकी तरह सारी चीज़ें मिल जा रही हैं इसके अंदर भी। आपको अपना CNG का लेवल दिख जा रहा है यहाँ पर, स्पीडोमीटर दिख जा रहा है, उसके साथ ओडो वगैरह सारी चीज़ें दिख जा रही हैं। अब CNG पे चल रही है नहीं चल रही वो आपको यहाँ पर भी बता देगा ये, ठीक है। जब पेट्रोल का रिजर्व लगेगा तो यहाँ चल जाएगा, मतलब सारी जो बत्तियाँ हैं वो आपको यहाँ पर मिल जा रही हैं। उसके अलावा अब आप कहोगे मेजर डिफरेंसेस क्या है, मेजर डिफरेंस अब देख लो, यहाँ पर आपको जो टैंक है, टैंक पे आपको ये चीज़ मिल जा रही है पूरी की पूरी इसी पे ग्राफिक्स, लेकिन जो मिड वेरियंट है और टॉप वेरियंट है उनमें आपको टैंक के ऊपर ये काउल भी लगा हुआ मिल रहा है, ये देख रहे हो, ये
ये लगा हुआ मिल जा रहा है एक्स्ट्रा और ग्राफिक्स अपने यहाँ है। एक तो ये डिफरेंस हुआ। दूसरी चीज़ में जो डिफरेंस आता है वो आता है अपने किस में, टायर साइज़ में। टायर साइज़ अब देखो, टायर साइज़ आपको यहाँ पर मिल रहा है थोड़ा पतला। अब थोड़ा क्या, वो आपको मिल रहा है जो आप जनरली बिल्कुल बेसिक कम्यूटर मोटरसाइकिल देखते हो ना उनके जितना, 80 चौड़ाई है इसकी, वहाँ पर मिल रही है 120। ठीक है, यहाँ 16 इंच है लेकिन 80 की चौड़ाई है केवल। ठीक, उसके साथ साथ अगर आ जाते हैं फ्रंट पे, तो फ्रंट में आपको मिल रहा है यहाँ पर देखें 80-90-17, 80-80 के ही हैं दोनों, यहाँ पर 17 है वहाँ पर 16 है। उसके साथ साथ एक और जो डिफरेंस है वो भी बहुत बड़ा मेजर फर्क निभाएगा, वो है यहाँ पर, यहाँ पर आपको अंदर हैलोजन बल्ब मिल रहा है, इसमें LED नहीं मिल रही। तो अगर हम दोनों में टॉप मॉडल में इस मॉडल में फ़र्क की बात करें तो वो है सिर्फ 15,000 रुपये का, क्योंकि ये हो गई अपनी 95,000, ये हो गई 110,000। तो इसमें 15,000 रुपये में कोई अगर पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है तो बहुत सही है, आप इसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई जो ये डिस्क ब्रेक है ना, ये बहुत अहम रोल निभाती है सेफ्टी के लिए। आप भले इस फीचर को यूज़ ना करो कि भाई हमें ये जो मोड वोड हैं ये सारे यूज़ नहीं करने, हमें कॉलिंग यूज़ नहीं करनी, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है ना डिस्क ब्रेक, ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है। डुअल कैलिपर में है जो कि काफ़ी सही चीज़ है। उसके साथ साथ चीज़ें छोटी छोटी देखने में पता लगता है ना आपको, ये देखो ये ना देते नीचे का आपको प्रोटेक्टर काउल कुछ भी कह लो, ये ना देते तब भी चल जाता है, लेकिन ये भी दे रहे हैं। कंपनी ने किसी तरह की कोई कटौती नहीं छोड़ी और प्राइसिंग बहुत सही रहे Tier 2, Tier 3 के लिए भी, उसमें भी पूरा का पूरा ध्यान दिया है कंपनी ने, बहुत सही प्राइसिंग रखी है। लुक्स आप देखोगे, आपको रियर से भी देखना है पूरा LED। मैंने पर्सनली 10 से 12 दिन पहले जब ये यहाँ आई थी तब इसको नोटिस करा था, डिलीवरी हुई थी किसी की, तो भाई क्या ही चीज़ लग रही थी ये। मैंने कहा वही है, एकदम से मेरे को ध्यान से आया, मैंने कहा लॉन्च तो हुई थी क्योंकि ऐसा साइड से देखी थी, जब देखा बजाज है और ये लुक देखा मैंने कहा हाँ भाई वही है। एक्चुअल में रोड प्रेजेंस अच्छी दे रही है। पावर फिगर आपको बताई थी, 9.3 BHP और 9.6 NM का टॉर्क है, 125 cc है, पेट्रोल इंजन है, सिंगल सिलेंडर है, माइलेज आपको पता ही है भाई, उसी के लिए ये पूरी याद रखी जाने वाली है। 105 की कंपनी क्लेम करती है लेकिन 100 की स्टैंडर्ड कंडीशन में लोग एक्चुअल में रिपोर्ट कर रहे हैं कि 100 का ये दे रही है, और करीब 2.25 किलो आएगी अगर तो 200 की उसको मान लो, पूरी CNG पे रेंज, और वहीं 2 लीटर इसमें 65 का कंपनी कह रही है पेट्रोल पर देगी आपको माइलेज, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर करीब 330 किलोमीटर की आपको रेंज मिलती है एक बार की अगर फ्यूलिंग कराते हो, और यही चीज़ कन्वेंशनल जो हमारी नॉर्मल मोटरसाइकिल्स हैं उसमें भी यही रेंज लगभग मिलती है आपको। तो काफ़ी सही चीज़ है, किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी मायने में दूर नहीं रहने वाली, पीछे नहीं रहने वाली है। बाकी यहाँ पर अपनी नंबर प्लेट लग जाएगी, पीछे से लुक भी आ रहा है पूरा का पूरा, जो आजकल की मॉडर्न है ना ऊंची सी टेल वाला, और बाकी यहाँ पर जो नंबर प्लेट के लिए बल्ब है वो येलो हैलोजन में दिया हुआ है। फूड पैक्स जो हैं वो रबर के दिए हुए हैं जिससे वाइब्रेशन वगैरह बिल्कुल फील ना हो, यहाँ पर इस तरह से लगाए मिल रहा है साड़ी गार्ड, बढ़िया चीज़ है। बाकी अगर गियर्स की बात करें तो आपको वही मिल रहे हैं, 1 down 4 up, मतलब 5 स्पीड का गियरबॉक्स सेटअप मिल रहा है जो बाकी कंपनीज दे रही हैं। एक्चुअल में जब मैं आया था मैं सोच रहा मैं कुछ ना कुछ तो कमी होगी, क्योंकि भाई इतना बड़ा पार्ट होता है इसका जो CNG किट है उस पर यूज़ होता है, उसके बाद भी इतनी कम कीमत रखी गई है, मैंने सोचा जो कमी होंगी उनको भी हाईलाइट करने वाला हूँ, लेकिन भाई एक्चुअल में जिस कीमत पे ये मिल रही है और जिस तरह से आपको हार्ड बॉडी मतलब मेटल वाला पूरा का पूरा फ्रेम दिख रहा है, चमक रहा है, ये देख रहे हो, ये कहीं भी आपको जो दूसरी बाइक्स हैं उसमें आपको प्लास्टिक पार्टी दिखते हैं, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा फ्रेम दिख रहा है, ये पूरा फ्रेम जाता हुआ ये यहाँ से यहाँ समझ से परे है भाई, कैसे करा है बजाज ने, ये बजाज ही जाने, बहुत कम मार्जिन है, ये चीज़ तो कंफर्म है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें लगा के दे दी है जो कटौती हो सकती थी, जिस चीज़ को वो काट सकते थे ना, कॉस्ट कटिंग में कर सकते थे कि हाँ ठीक है, वो भी इसमें दे दिया है। अब देखो बेस मॉडल में भी आपको ये मिल जा रहा है यहाँ पर USB, क्या बात है। बाकी अपना रेस्पॉन्स जरूर बताना, अपना जो आपको वो है ना फील इस बाइक को देखकर, या क्या प्रॉमिसिंग है जो भी आपके दिमाग में, क्योंकि नई चीज़ है, वो आप ज़रूर शेयर करना, बिल्कुल वेलकम है, उसका कमेंट सेक्शन तो खुला ही रहता है इसी चीज़ के लिए। बाकी मैं हूँ इस समय कहाँ पर, गोपाल बजाज रुद्रपुर में, यहाँ पर आप आके चेकआउट कर सकते हो, पूरा का पूरा स्टॉक है, देखो बेस मॉडल मिड मॉडल यहाँ टॉप 95,000 से शुरू है, 95,000, 1,05,000, 1,10,000 रुपये, बाकी ऑन रोड वगैरह जो भी है मैं नंबर नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सामने से देखने में तो है खूबसूरत, बाकी CNG की बचत सिर्फ एक रुपया पर किलोमीटर पर आपको मिलने वाली है, क्या बात है। करते हैं वीडियो का एंड, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब करना संस्कार चैनल को। जय हिंद।